हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिर्फ दो उबले आलू से बने बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटपटे सुपर क्रिस्पी से नाश्ते की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इस नाश्ते को बनाने में और सिर्फ 2 आलुओं से ढेर सारा चटपटा क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, जो बड़ों से लेकर बच्चों तक को खूब पसंद आता है। बिल्कुल नई चटपटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहे। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बोल में 2 मीडियम साइज के उबले आलुओं को इस तरह से बारीक ग्रेट करके लेंगे। आप बिल्कुल बारीक मैश भी कर सकते हैं, बट बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो देखिए, दोनों आलुओं को अच्छी तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की जगह पे आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच दही, इससे काफी बढ़िया सा फ्लेवर आता है। नमक इसमें स्वाद अनुसार से थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि इसे सर्व करने से पहले भी हम इसकी थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे इस वजह से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच ओरिगेनो, इससे काफी बढ़िया सा फ्लेवर आता है। ये सभी चीजें ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे देसी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1/2 छोटा चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर। अब सभी चीजों को हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो बना लेंगे। अगर आपका आलू थोड़ा सा ज्यादा गीला टाइप का है तो इसमें 1 बड़ा चम्मच और कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डो मैंने लगा लिया है, हाथों में थोड़ा सा तेल लगाते हुए इसे चिकना कर लेंगे। डो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, चलिए आगे के प्रोसेस में चलते हैं। आप चॉपिंग बोर्ड ले लें, रोलिंग बोर्ड ले लें, या फिर कोई भी फ्लैट सरफेस जहाँ हम इसे शेप देंगे। मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है ताकि ये चिपके ना। अब डो जो है उसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। नाश्ता बिल्कुल नया और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनता है, तो वीडियो में बने रहें। तो देखिए, यहाँ पे लोइयां मैंने तोड़ ली हैं छोटी छोटी साइज की, इसे छोटी भी लोइयां तोड़ सकते हैं। अब इसमें इस तरह से हाथों से रोल करते हुए इस तरह से शेप दे देंगे, जैसे कि कुरकुरे का शेप होता है, ठीक वैसे ही आपको शेप देते जाना है सभी को। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप थोड़े छोटे साइज में भी बना सकते हैं, बट बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा मोटा ना रखें। आप इन्हें फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं पहले से बना करके, और जब भी आपका मन करे इन्हें फ्राई करके आप खा सकते हैं। बहुत ही आसान है इन्हें शेप देना, तो सभी को शेप दे करके रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सभी को मैंने शेप दे करके तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। तेल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद फ्लेम मीडियम पे कर देनी है आपको, और इसे एक एक करके डालते जाना है। जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई है उसी के कैपेसिटी के हिसाब से डालें, बहुत ज्यादा भर ना दें, नहीं तो चिपक सकता है एक दूसरे में ये। तो मेरी कढ़ाई छोटी है तो मैं 3-4 करके इसमें फ्राई कर रही हूँ। आप इन्हें बैचेस में ही फ्राई करें ताकि अच्छे से ये चारों तरफ से फ्राई हो। इन्हें तुरंत ही ना छेड़े, थोड़ी देर के बाद जब इनमें हल्का सा कलर आ जाए तब इन्हें उलट पलट करते हुए चारों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। 1 से 1.5 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अंदर तक ये पके, और बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो भी ये अच्छे से अंदर तक नहीं पकेंगे, कच्चे रह जाएंगे। लो फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई ना करें, नहीं तो ये फट जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर इनमें आ चुका है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के सभी फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, मैं हमेशा ही आपके लिए क्विक एंड इजी, टेस्टी, लो बजट न्यू रेसिपीज लेकर आती रहती हूँ। ऐसी रेसिपी जो घर में आसानी से मिलने वाली चीजों से झटपट से बन जाए। अगर आप भी देखना चाहते हैं फ्रेंड्स ऐसी रेसिपीज, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे आप पा सकेंगे मेरे हर लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी को बैचेस में मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, और ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं देखने में, और बहुत ही ज्यादा सुपर क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। आप इसे बच्चों को दे सकते हैं शाम के टाइम में, उन्हें बहुत ज्यादा ये पसंद आने वाला है। बच्चे कुरकुरे चिप्स वगैरह काफी ज्यादा खाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है उनके लिए, तो इस तरह से आप उन्हें बनाकर दे सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाने पर भी उन्हें सर्व कर सकते हैं, पहले से बनाकर फ्रीजर में स्टोर कर लें। मैं आपको बताया था फ्रेंड्स कि बाद में भी इसकी थोड़ी सी सीजनिंग हम करने वाले हैं, तो मेरे पास यहाँ पे मैगी मसाला है, मैजिक है, जिसे हम थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और इसे स्प्रिंकल करते ही इसका टेस्ट 2 गुना तक बढ़ जाता है। मैगी मसाला डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक भी ऊपर से डालूंगी मैं, और इसमें जो थोड़ी सी नमक की कसर हमने बाकी रखी थी इससे पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अभी जाइए रेसिपी को ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।